Hello students, I am Mallik sir. I am going to continue the revision of the relation 1 crop production and its management. Right? So study in the last lecture I discussed about the irrigation, different method of irrigation. Right? Today I am going to discuss crop protection. The topic is crop protection. आपने देखा कि किसान के मेहनत से सॉइल को प्रिपेयर करता है, उसमें सीड को सो करता है, लेवलिंग, प्लॉइंग, दूसरा मेथड से इरिगेशन, इरिगेटिंग द फील्ड, कई सारे उसमें स्टेप्स है, इसके बाद जो फसल खेतों में लहराता है तो उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है. ठीक है, तो प्रोटेक्शन किन चीजों से जरूरत है उस फसल को? तो पहला देखिए वीड्स. Unwanted plants that grow along with main. जो वीड्स है क्या है? अनवांटेड प्लांट्स है जो ग्रो करते हैं. कहाँ करते हैं? खेतों में करते हैं. जो मेन क्रॉप है उसके साथ यही ग्रो करते हैं. ठीक है, तो बात होती है कि ये नुकसान दे कैसे है, इससे प्रोटेक्ट करने की जरूरत क्यों है फसल को? जो क्रॉप लगा हुआ है उनसे इस वीड्स से उनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत क्या है? वाई? तो पहली चीज है कि जो अनवांटेड प्लांट्स है ग्रो करते हैं अलॉन्ग द मेन क्रॉप. ठीक है, तो ये क्या करते हैं? मेन क्रॉप खेतों में आपने लगाया है या किसानों ने जो लगाया है तो क्या होता है, उनके साथ ये प्लांट भी सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं जो कि मेन क्रॉप्स के लिए उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स है, है ना. लेकिन न्यूट्रिएंट्स का यूज ये अनवांटेड प्लांट्स भी करते हैं. न्यूट्रिएंट्स का यूज करते हैं, वाटर का यूज करते हैं, एयर का यूज करते हैं, स्पेस का यूज करते हैं, है ना. इसके कारण से जो मेन क्रॉप प्लांट है उसको सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स, फर्टिलाइजर्स, ये सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो भी रिक्वायर्ड है वहां पर मारामारी होती है उनके साथ. इसके कारण से हमारा हमने तो अनवांटेड प्लांट वीड्स के लिए तो उसमें फर्टिलाइजर्स, न्यूट्रिएंट्स या फिर पानी वगैरह तो नहीं डाला, उसके कारण से डाला है, है ना. मेन क्रॉप के लिए तो वहां पर ये भी उसके साथ कंपीट करते हैं, उन सारी चीजों को ये भी यूज कर लेते हैं जिससे कहीं कहीं मेन क्रॉप को इन सारी चीजों का कट आउट है जिससे मेन क्रॉप अच्छे से ग्रो नहीं कर पाए. ठीक है, इसलिए इसे प्लांट को बचाने की जरूरत है. इसमें कुछ अब देखिए ब्रीडिंग, जो ब्रीडिंग इसमें प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स, जो वेडिंग प्रोसेस है इस प्रोसेस के बारे में कहते हैं खेतों से आपको समझ में आ गए वीड्स अनवांटेड प्लांट है जो हमारे मेन क्रॉप को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं. तो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने से इसे छुटकारा पाना जरूरी है. तो वीड्स को वहां से जो हटाने का प्रोसेस है इसे हम लोग वेडिंग कहते हैं, है ना. इसमें कई सारे मैकेनिकल प्रोसेस मेथड है जिसमें क्या करते हैं हाथ से जाकर वीड्स को उखाड़ कर फेंक देते हैं. ठीक है, इसमें कुछ एपरेटस का भी यूज किया जाता है जैसे खुरपी है और एक मेथड है केमिकल मेथड भी है जिसके द्वारा केमिकल्स प्रेजेंट है उसको हम डिस्प्ले करते हैं और वेट्स के ऊपर और वेट्स वगैरह खत्म हो जाता है विदाउट अफेक्टिंग मेन क्रॉप. मेन क्रॉप को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाता लेकिन जो वीड्स है अनवांटेड प्लांट्स है उसको वो खत्म कर देते हैं. कुछ केमिकल्स यहाँ दिए गए हैं जैसे 2,4-D, 2-dichloro-phenoxy-acetic acid, MCPA, 2-methyl-4-chloro-,
क्लोरोफिल फिनॉक्सी इस तरीके से बूटा क्लोर है, क्लोरोफिल है, बेटा क्लोर है और सिंथेसाइड है। और भी कई सारे हैं तो इन टेम्पलेट का यूज लिखे, ये एक बात तो नुकसान है चाहते लेके ये जो उसको स्प्रे करने वाले जो लोग हैं तो उनके लिए ये हानिकारक हो सकता है, आंख में चला गया, नाक में चला गया, कहीं और, तो इसलिए उसका स्प्रे जो है जो करने वाले फार्मर्स है जो भी है ना, तो उनको ये इसको केयरफुली हैंडल करने की जरूरत है ताकि उनको किसी तरह का नुकसान नहीं हो। ठीक है, दूसरा बात उसके है ना, अब क्या होता है कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं वो वीड्स को खा जाते हैं। ठीक है, ऐसे इंसेक्ट्स को उस फील्ड में छोड़ा जाता है ताकि वो वीड्स को खा जाएंगे, लेकिन दे डू नॉट डू एनी डैमेज, दे डू नॉट डैमेज द मेन क्रॉप, दे जस्ट ओनली ईट द वीड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द क्रॉप, तो इसको पानी उसमें इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए आप इंसेक्ट्स भी होते हैं जो क्रॉप प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं, क्रॉप को वो खा जाते हैं, क्रॉप प्लांट्स के पत्तों को खा जाते हैं, जिससे प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता, अच्छी उपज नहीं दे पाता। ठीक है, और इंसेक्टिसाइड्स और रोडेंटिसाइड्स को ऐसे चूहा है और भी जो रोडेंटिसाइड्स एनिमल्स है ये सभी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इनके लिए भी रोडेंटिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स है उसको स्प्रे किया जाता है एयरक्राफ्ट से और भी अलग अलग मशीनों के द्वारा, स्प्रे मशीन के द्वारा, ताकि जो इंसेक्ट्स है ये खत्म हो जाए, रोडेंटिसाइड्स किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि तो इन सारी चीजों से आपको अपने क्रॉप को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, नहीं करें तो और क्रॉप खराब हो जाएगा। ठीक है, और डिजीज भी एक चीज है जो क्रॉप प्रोटेक्शन की जरूरत है, क्रॉप को बीमारियां भी रहती है उससे भी इनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, और दूसरा है जो ग्रेजिंग एनिमल्स है उससे भी इनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। ठीक है, तो आपने देखा कि प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप जो है, क्रॉप प्रोटेक्शन एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है एग्रीकल्चर में, है ना, अगर हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो हमारे पहले हमने जो मेहनत किया, किसान ने जो मेहनत किया उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, वो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही, आपको पता है लेशन वन टू, लेशन वन टू फोर के सारे ऑब्जेक्टिव सारे एडमिशन क्वेश्चन है, आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, इसी से आपका यूजी वन आने वाले क्वेश्चन है ना, तो करिए। थैंक यू, कल मैं आपको हार्वेस्टिंग के बारे में बताऊंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।